आहे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल लिलीग्री ब्लॉग प्रिंट। आप लोग कैसे, आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। मैं चकाचक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप भी अपने घर में स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। चलिए ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मतलब तो सुबह से होता है, बने रहिए वीडियो पर। तो मेरा किचन में तो घुसना होता है, किचन का हम लड़ी चौका तो वही काम होता है। सुबह से काम में निकल जाते हैं, सुबह का तो झाड़ू वगैरह सब हो गया था। और नहाने के बाद ही मैं ये क्या कर रही हूँ देख लीजिए। ऐसा तो हम लेडीज, सारे लेडीज़ का यही ही हमारा काम है, मतलब पोछा वगैरह सब। और नहाने के बाद तो किचन का काम होता है, और बाहर का काम तो पहले हो जाता है। वैसे भी अभी आज हमारा मौसम थोड़ा सा ख़राब था, जैसे कि रेनी जैसा जब था। और ये मैं पूछा सब कर दी। उसके बाद में जो कुल्थी का दाल था ना, वो कुल्थी का दाल में मतलब कुकर पर चढ़ा दी हूँ। और क्या होता है आपके यहाँ होता है कि नहीं मुझे बताइए। आजकल तो कुल्थी का दाल भी जो फाल में मिलता है, पहले तो बाहर साबुत वाला सब्जी कट करूंगी। धूप आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बाहर बैठ कर सब्जी कटिंग करूंगी। तो बाहर में धूप था जो पटिका में, तो मैं सब्जी कट कर रही थी। आज ना मेरे बागान से लाई थी जो पोई है, पोई थोड़ा सा अभी बीज हो रहा है लेकिन अच्छा लगता है। तो मैं बीन्स वगैरह कट कर रही थी और पोई को भी कट कर रही थी। और उसको मैं सरसों बेसर बनाने के लिए और कट कर रही थी। और उसके बाद ही मैं क्या करी ना, जो प्याज वगैरह भी सब, प्याज टमाटर वगैरह सब बाहर बैठ कर ही कट कर रही थी। और अभी तो होता है फिर से लॉकडाउन। अब हाँ एक बात मैं बताऊंगी, तो बेटी भी अभी घर में है, तो फिर से लॉकडाउन होने वाला है। तो ओमिक्रॉन फिर से आ रहा है भाई, अपने घरों में स्वस्थ और मस्त रहो, कहीं बाहर नहीं जाओ। बाहर जाओ मतलब मास्क पहन कर रहो हमेशा। फिर से होगा तो बहुत ही दिक्कत होगा, मतलब पहले जैसे तो नहीं होगा। सब सारे तो टीका वगैरह सब लिए हैं, जो हमारा डोज लिए हैं, जो मतलब जो बीमारी के लिए, कोरोना के लिए जो टीका वगैरह सब लिए हैं, वो फिर भी मतलब हम सावधानी से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जानवर से होगा ऐसे न्यूज तो आ रहा है। तो देखिए मैं सरसों को पेस्ट कर रही थी इधर, मतलब पीस रही थी हाथ से ही। और मैं ज़्यादातर सरसों को ना हाथ से ही पीसती हूँ, ऐसे ग्राइंडर जार में नहीं पीसती हूँ। तो ये देखिए मैं पीस रही थी, और वही बात मैं बोल रही थी। तो अपने घरों में स्वस्थ और मस्त, कहीं भी बाहर आप जाते हो तो आप हमेशा मास्क वगैरह पहनो। अभी जानवर से होने वाला है कहते हैं, आजकल देखते हैं क्या होता है। वो जो एग्ज़ाम वगैरह भी पोस्टपोन होगा या क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। बच्चे बहुत परेशान होंगे, पढ़ाई में भी कुछ दिक्कत आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ पढ़ाई करने के लिए बच्चे सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए मेरा पिसना भी हो गया, और ये देखिए जो मैं कपड़े को भी सुखा रही थी। और आगे देखिएगा बहुत ही अच्छा है चीज़, एक चीज़ मैं दिखाऊंगी आपको, देखोगे तो पता चलेगा। तो ये हमें जो भाजी बना रही थी, हमारा क्या भाजी बना रही थी, हमारा बीन्स आलू फूल गोभी की भाजी बना रही थी। और दाल बेटी ज़्यादातर वो जो सब्जी वगैरह आलू और फूलगोभी की सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती है, तो नहीं उसके लिए नहीं बना रही थी। और दाल तो बना दी थी, भाजी साग और जो खट्टा वगैरह वही वगैरह मैं सब बना रही थी। बच्चे के हिसाब से तो चलना पड़ता। कल एक मेरे फ्रेंड के साथ मैं बात कर रही थी, बोल रही थी हाँ हम अकेले रहते तो कुछ भी हम खा लेते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा लगता है। बच्चा जब खुश हो जाएंगे वही खाने में हमको भी अच्छा लगता है। माँ बाप है मतलब हम उनकी खुशी में खुश रहना अच्छा लगता है। तो ये डाइनिंग टेबल को भी मैं सजा रही थी, जो कपड़े वगैरह चेयर पे था ना उसको भी मैं लगा रही थी।
और ठंड रहता है, ठंड के सीजन में घर का काम ना करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम तो हमेशा धूप पर ही बैठते हैं। ये काम करने के बाद मैं सब चली गई थी। मैं सबसे आ रही हूँ, सबसे आने के बाद मैं देख रही हूँ तो बेटी नहीं नहा रही थी। 12:30 हो गया था। मैं बोली क्यों नहीं नहाई, आप आओ तो देखो। पहले मैं देख कर मुझे नहाने को भी नहीं मन कर रहा, तो मैं बोली क्या हुआ, क्या किस लिए तुम नहीं नहाई। मैं एकदम से चौंक गई। वो ना धूप में ही जो हमारा हैंडपम्प के नीचे ही नहा रही थी, नहाती है आजकल, वो जो धूप हो रहा है इसीलिए। मैं बोली क्या हुआ, मैं सांप तो नहीं, मैं डर गई। लेकिन मुझे दिखाया तो ये देखिए, ये एक फूल है, मैं उस पौधे को खरीद के लाई थी। ये ना सूरज देवता का जो सन की किरण से ही ये फूटता है और बहुत अच्छा, जब सूरज डूब गए ना तो ये मुरझा गया ऐसा। ये बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ा आया ये फूल देखकर मुझे। और ये देखिए जो मैं ब्लाउज सिलाई कर रही हूँ, लगभग 21 या 22 होगा इसे ब्लाउज मैं सिलाई कर रही हूँ। और मैं देख रही थी कितने सिलाई कर रही हूँ, मेरा कितना बचत भी हुआ, वही मैं देख रही थी। मैं दूसरे का क्यों दूँ, मैं मन की पसंद, मेरे मन पसंद के हिसाब से मैं ब्लाउज सिलाई कर रही हूँ। जैसे मैं डिजाइन चाहूँ उस टाइप का मैं सिलाई कर रही हूँ और सक्सेस भी हुई हूँ। एक ब्लाउज को मैं दी थी टेलर को, तो बोली, वो बोली नहीं इसके इसमें तो कपड़ा नहीं है, ये नहीं होगा, यही मुझे बोली। तो मैं बोली चलो मेरा सूझबूझ से, अरे अच्छा ब्लाउज तो ख़राब होगा तो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो मैं करूँ। लेकिन जब मैं ट्राई करी हो गया, तो बेटी बोल रही थी तुम आप ना उसी टेलर को लेकर आप दिखाओगे, देखिए इतने तजुर्बे है, इतने एक्सपीरियंस है, फिर भी आप तो ब्लाउज को मना कर दिए हैं। और मैं तो देख देख के यूट्यूब से देख देख के ही ब्लाउज को सिलाई करी हूँ और सक्सेस हो गई, वही बात बताना है। ब्लाउज सिलाई की हूँ, मेरा कितना बचत हो गया। तो जा रहे हैं कहीं हमारे पोती को देखते हैं। देखिए हमारे पोती को, वो कितनी बड़ी हो गई, 3 महीने की हो गई, कल 3 महीने, 27 तारीख को 3 महीने एकदम से हो गया, 3 महीने की हो गई और रो रही थी ना सोने के लिए। क्यूटी क्यूटी हमारे क्यूटी पाई क्यूटी देखने के लिए हम चले गए थे गांव। ये देखिए उसका नींद कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कैसे हो रही है। हम खाना खाने के बाद ही चले गए थे और देखिए कैसे क्यूटी क्यूटी इच्छा होला आखिर खाए लुहरा बाहर बना नहीं बाहर बना नहीं अंधा देखा जाऊ रे नातुणी नातुणी। देखिए 3 महीने की हमारी पोती, हमारी क्यूटी, हमारी बेटी। ए बताबू आनी फोटो कर दूची, आनी पोतो कर दूची, पोतो, पोतो, उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी तो कैसे फेस को कर रही है देख लीजिए। और उसके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था। और क्यूटी टा क्यूटी 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 टा देखिए कैसे बैठी है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।